2012 में एक मूवी रिलीज की गई जिसकी सारी कास्ट का डेब्यू था, लेकिन इसको प्रोड्यूस बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर करण जौहर ने किया था और मूवी तब बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। और अब इसी मूवी का सेकंड सीक्वल बन रहा है जिसका नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, जिसकी स्टार कास्ट बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें है टाइगर श्रॉफ के साथ तारा सुतेरिया और अनन्या पांडे। फ्रेंड बता दें कि मई 10, 2019 को इस मूवी को सिनेमाघरों पर रिलीज किया जाएगा। तो फ्रेंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सेकंड सीक्वल स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की बात करते हैं इसी वीडियो में कि इसका ट्रेलर आपको कब देखने को मिल सकता है और इसके बढ़िया सॉन्ग्स भी कब रिलीज किए जाएंगे। तो चलिए मजीद देर किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेल फ्रेंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए सबसे बेहतरीन चॉइस टाइगर श्रॉफ के अलावा कोई हो नहीं सकती थी, क्योंकि फ्रेंड जिस तरह से टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड में अपने कदम जमा रहे हैं और एक अच्छा स्टार बनकर उभर रहे हैं और उनकी मूवी बागी 2 जो के बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही और अब उसका थर्ड सीक्वल भी बनने जा रहा है। तो वहीं पर फ्रेंड बता दें कि पब्लिक में बहुत ज्यादा क्रेज है टाइगर श्रॉफ की मूवीज को देखने का, तो करण जौहर का ये फैसला बहुत ही सॉलिड साबित होने वाला है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी में। और फ्रेंड खबरों की माने तो मार्च के आखिर पर या तो अप्रैल के स्टार्ट में इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च कर दिया जाएगा और खबरों के अनुसार इस मूवी की प्रमोशन खूब धूम धड़के से की जाएगी और एक बड़े लेवल पर इस मूवी को न सिर्फ भारत में बल्कि ओवरसीज में भी रिलीज किया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड इस मूवी के खासे पोस्टर रिलीज कर दिए गए थे शुरू से ही, जिसको पब्लिक ने बहुत ज्यादा पसंद किया और एक अच्छा रिएक्शन दिया और स्पेशली टाइगर श्रॉफ के फैंस तो बहुत ज्यादा एक्साइट हैं कि आखिर कब इंतजार खत्म हो और इस मूवी को मई 10, 2019 को सिनेमाघरों पर नुमाइश के लिए पेश कर दिया जाए। तो फ्रेंड अब सवाल ये है कि आपको सबसे ज्यादा किस मूवी का इंतजार है, टाइगर श्रॉफ की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 या के बागी 3? हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।